आपने आप सब आप एक मिनट छोड़े रहो कराची के हल्का एन 240 लांधी में जिमनी इलेक्शन की पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी। दो सियासी जमातों के कारकुनान का एक दूसरे पर लाठी और डंडों का जदाना इस्तेमाल। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, तीन अफराद जख्मी। एमक्यूएम और पीएसपी का एक दूसरे पर तशद्दुद का इल्जाम। मुश्तल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल बोले, इन पर लाठी चार्ज किया गया और लांठी 6 नंबर में हमला किया गया। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कराची के हल्का एन 240 के जिमनी इंतखाब में पुरतशद्दुद वाकयात का नोटिस ले लिया। पोलिंग का अमल सबोताश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए सिक्योरिटी इदारों को दांव पर लगाया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया, कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा DGISPR के पास हकायक हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। न्यूट्रल को समझाया, किसी किस्म का अदब इस्तेहकाम ना होने दें। शौकत तरीन को कहा, इन्हें समझाएं, यहाँ पर न्यूट्रल रहने का वक्त नहीं। अगर अमरीकी साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क मौशी तौर पर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान कभी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सका। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब, कहा हम अभी स्टैंड नहीं लेते तो जो भी वज़ीर आज़म आएगा उसे अमरीकी धमकी मिलेगी। अमरीका के सामने झुकते जाएंगे तो वो डूमोर कहता जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया, मुदाखलत हुई, सबूत भी मौजूद है, क्या इस पर इंक्वायरी नहीं होना चाहिए थी। तगड़ा शो करने वाला हूँ लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, बस जब कॉल दूं तो आप सब ने शिरकत करना है। जमहूरियत के तहफ्फुज के जामिन तमाम इदारे खतरे में हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहा नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए, यानी नैब खत्म तो पुराने केसेस भी खत्म। नवाज शरीफ पर केसेस आसिफ जरदारी ने किए, अब सब मुआफ होने वाले हैं। पंजाब में तमाशा लगा है, इलेक्शन कमीशन पंजाब में नून लीग को तहफ्फुज़ दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी मंसूबों पर पेशरफ का जायजा। वजीर आजम की कराकरम हाईवे बाबूसर टनल खुजदार कचराक रोड का काम जल्द शुरू करने की हिदायत, कहा गुज़श्ता 4 सालों में तरक्की का सफर मुजरिमाना गफलत के नतीजे में रोका गया। IMF से सख्त मुआहदा, PTI ने किया। इमरान खान ने अपनी 3 साल की कारकर्दगी नहीं बता सकते। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को मईशत के बहरान से निकालना हमारी तरजीह है, हमने अपनी सियासत नहीं पाकिस्तान को बचाना है। इमरान खान मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया, कहा इमरान खान अपनी कारकर्दगी के बारे में कभी बात नहीं करते, वो मुल्क को तबाही के बहाने पर छोड़ कर गए। कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हुई जिसमें इदारे शामिल हैं, इदारे वाज़ह कह चुके हैं कोई साजिश नहीं हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। PTI फॉरन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का फैसला कालेदम करार। इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं है, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तो वो कहे इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा, फैसले का मतलब।
महंगे पेट्रोल ने आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया। मुल्क भर में आवाम का शदीद रद्द अमल इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसाद की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आ गया। और पेट्रोलियम मसाद की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह है। IMF मुआहदे से कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा न था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, IMF से मुआहदा PTI ने किया, तफसीलात पर जल्द फॉर्म का एतमाद मिलेंगे, इंशाल्लाह इन मौशी मुश्किलात से निकल आएंगे। हमें ऐसे फैसले करने हैं जिससे हमारी मईशत बेहतर हो। सोचना होगा इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। हमने बतौर कौम और मिलत पाकिस्तान को बेहतरीन पोजीशन में लाना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब।